तो हेलो व्यूअर्स, आप से लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप से लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो अगर व्यूअर्स आप से लोग भी मेरे तरह अपने फोन से इमेज को क्रिएट करना चाहते हो तो आप से लोग बहुत ही सही वीडियो पर आए हो। व्यूअर्स, आज के दिनों में इस प्रकार की इमेज बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर आप से लोग भी इस प्रकार की इमेज को क्रिएट करके अपने फोन के स्क्रीन पर लगाना चाहते हो तो आप से लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है बिंग इमेज क्रिएटर। लिखने के बाद व्यूअर्स आपको इस प्रकार से लिखने के बाद व्यूअर्स इसको आपको सर्च कर देना है। तो आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप सबको यहाँ पे फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके पास एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकती हो किस प्रकार से आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि व्यूअर्स मैं आप सबको एक प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ। वो प्रॉम्प्ट व्यूअर्स आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेगा। उसी प्रॉम्प्ट से व्यूअर्स आप सब लोग इमेज को क्रिएट कर सकते हो और उसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट करना होता है। तो व्यूअर्स वो प्रॉम्प्ट आपको कहाँ पे मिलेगा मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा। आप सब लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि बस मैं प्रॉम्प्ट को लास्ट में बताने वाला हूं। तो आप सबको प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद यहां पे आ जाना है और यहां पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहां पे आपको जो पेस्ट लिखा हुआ दिख रहा होगा इस पे आपको टैप करना है। तो यहां पे देख सकते हो किस प्रकार से आपका यहां पे प्रॉम्प्ट पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद बस आपको क्या करना है, यहां पे अपने नेम को हटाकर और यहां से आप सबको कैपिटल लेटर में इस प्रकार से नेम को लिख लेना है, वो भी अपने नेम को। इसके बाद बस आपको क्या करना है, यहां पे देख सकते हो जो कि क्रिएट लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से इमेज क्रिएट होकर आ चुका है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो व्यूअर्स मैं आप सबको तीन प्रॉम्प्ट दूंगा जो कि आप सबको बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे इमेज को क्रिएट करके देने वाला है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे अपने इमेज को डाउनलोड करने के लिए किसी एक इमेज पे क्लिक करना है तो आपका इमेज इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ व्यूअर्स आपको थ्री डॉट देखने को मिल रहा होगा, आपको इस पे टैप करना है। जैसे इस पे टैप करते हो तो यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। तो व्यूअर्स आपको यहाँ पे एक और डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे भी क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करते हो आपका इमेज आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। और व्यूअर्स अगर आप सभी लोग भी इस प्रकार का इमेज और इसी प्रकार का प्रॉम्प्ट लेना चाहते हो तो आपको प्रॉम्प्ट कहाँ पे मिलेगा, चलिए मैं यहाँ से दिखाता हूँ। तो उसके लिए यहाँ से आपको बैक हो जाना है और आप सभी लोग अभी मेरे वीडियो को जहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे व्यूअर्स आपको एक यहाँ पे मेरे चैनल का लोगो दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे व्यूअर्स आपको इस प्रकार का तीर का निशान दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके पास इस प्रकार का पेज आ जाएगा और यहाँ पे आपको जो व्हाट्सअप लिखा हुआ दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो व्यूअर्स तो यहाँ पे आपको एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो कि इस प्रकार का लिखा हुआ है आपको इस पे टैप करना है। इसके बाद व्यूअर्स आपको यहाँ पे अपने व्हाट्सएप को भी सिलेक्ट कर लेना है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो क्लिक करते के साथ आप सभी लोग डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाओगे जो कि यहाँ पे देख सकते हो। तो व्यूअर्स यहाँ पे देख सकते हो मैंने आप सब के लिए प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के लिए आपको इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करके और इमेज को क्रिएट करना है। तो व्यूअर्स आपको इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के लिए क्या करना है, इस पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है। इस पे आप जैसे ही लॉन्ग प्रेस करते हो तो यहाँ पे इस पे ब्लू टिक लग जाएगा। इसके बाद व्यूअर्स आपको यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे देख सकते हो कॉपी का ऑप्शन है इस पे आपको टैप करना है। जैसे ही टैप करते हो आपका यहाँ से प्रॉम्प्ट कॉपी हो जाएगा। इसके बाद अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करके और यहाँ पे आपको सर्च वाले पे क्लिक करना और यहाँ पे लिखना है बिंग इमेज क्रिएटर और इसे सर्च करके और फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक करना है। इसके बाद व्यूअर्स आपको यहाँ पे नया पेज ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पे आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस जैसे ही करते हो तो यहाँ पे आपको एक पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको टैप करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से प्रॉम्प्ट पेस्ट हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट वाले पे जैसे ही क्लिक करते हो आपका इमेज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग यहाँ पे अपने नेम को चेंज जरूर कर लीजिएगा, तभी आपके नेम का इमेज को क्रिएट यहाँ पे हो पाएगा। तो व्यूअर्स आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जो बताएगा। और अगर आप सभी लोग भी चाहते हो कि इसी प्रकार की नई नई जानकारी आप सब तक सबसे पहले पहुंचे तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल वाला आइकन को और को प्रेस करके जरूर रखिएगा। तो चलिए व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।